ये बहुत जघन्य अपराध हुआ है और ये कोई चोरी से अपराध नहीं हुआ है। ये समाज में दहशत पैदा करने के लिए, गरीबों को, मजलूमों को दहशत में रहने के लिए मजबूर करने के लिए ये अपराध सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है और इस बात को गंभीरता से समाजवादी पार्टी ने लिया है। मैं स्वयं पिछली 11 तारीख को आया हुआ था, हमारे जिला अध्यक्ष जी भी शुरू से लगातार अस्पताल तक इनके संबंध में लगे हुए थे, भाई लकी जी भी, विधायक जी भी लगातार फ़ोन पर SP और DM से सबसे संपर्क करते रहे थे। और जब हमने 12 तारीख को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी से सारी घटना के बारे में बताया तो उन्होंने इसकी गंभीरता को ही देखते हुए जिले के वरिष्ठ नेताओं और बगल के भी हमारे माननीय विधायक पट्टी के राम सिंह पटेल जी हैं और हमारे वरिष्ठ विधायक पूर्व सांसद श्री तूफानी सरोज जी, भाई लकी यादव जी विधायक जी, कैलाश सोनकर जी जो मल्ली विधायक जी के पिताजी हैं, मुहा मछली सर विधायक जी के, रागनी जी के, तमाम लाल बहादुर जी, जिलाध्यक्ष जी, हिसामू जी, महामंत्री जी, सभी वरिष्ठ डेली नेताओं के नेतृत्व में एक टीम वस्तुस्थिति की जानकारी करने के लिए भेजा, इसकी गंभीरता को समझते हुए। और उनका यह निर्देश है कि पूरी टीम वहाँ जाए, सारी स्थितियों से आप अवगत हो करके पीड़ित परिवार से मिल करके क्या अब तक हुआ, क्या पीड़ित परिवार आगे चाहता है आकर हमें बताएं, ताकि पार्टी उनकी लड़ाई आगे लड़ सके और उनकी मदद कर सके। इसीलिए हम सभी लोग पीड़ित परिवार के सभी सदस्यों से उनके घर में बैठ कर विस्तार से बातें की है, उनकी बातों को हम लोगों ने सुना, कुछ बातें हम लोग पहले से भी जानते हैं, कुछ बातें उन्होंने नहीं बताई, वो सारी बातें हम लोग राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराएंगे और फिर राष्ट्रीय नेतृत्व समाजवादी पार्टी इनकी लड़ाई को, इनकी मदद को आगे आकर करने का काम करेगा। जिला प्रशासन ने जो कुछ भी किया, क्या उससे समाजवादी पार्टी संतुष्ट है? नहीं, अभी संतुष्ट नहीं है। क्या चाह रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो पीड़ित परिवार है उसे भय के माहौल से निकालना चाहिए। आज भी पीड़ित परिवार भय के माहौल में है और लोग धमकियां दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है प्रशासन को पीड़ित परिवार के मन से भय निकालने की। एक तो उन्हें भय निकालने के लिए उपाय करना चाहिए, उनकी सुरक्षा देनी चाहिए, दूसरे उनकी आर्थिक मदद, सरकारी जो सहयोग है, चाहे आर्थिक सहयोग है, चाहे ज़मीन का पट्टा है, चाहे आवास है, चाहे नौकरी है, ये भी उन्हें देना चाहिए और अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि फिर दूसरे लोग, वही अपराधी या दूसरे उस प्रवृत्ति के अपराधी ऐसा करने का दुस्साहस न कर सके। पार्टी भी कुछ अपनी तरफ से करेगी? पार्टी पूरी मदद करेगी, इसीलिए डेलीगेशन आया था, पीड़ित परिवार से हमारी बात हो गई है।